वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप लोग मुसाफिर की इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि मजा आने वाला है भाई। मैं जानता हूँ हाँ, ये सीट कवर के रंग कैसे चेंज हो गए, ये हेडरेस कहाँ चले गया, आपकी गाड़ी के पीछे ऐसे कैसा कलर हो गया, आपका तो पूरा का पूरा आपने नापा लेदर वाली चीज करा रखी थी। तो भाई आप लोगों को ये सब चीजें पता चलेगी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ये वीडियो रहने वाली है भाई ऑडियो अपग्रेड के ऊपर। मैंने अपना ऑडियो अपग्रेड कर दिया है भाई, कर दिया है भाई, मान लो कर दिया है। तो उस टाइम पे जब मैं ऑडियो अपग्रेड कर रहा था उस टाइम पे मैंने कुछ फुटेज बनाई थी, जो फुटेज जो है मैं रिकॉर्ड सही से नहीं कर पाया और लाइटिंग अच्छी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज सुबह आप लोगों को उसका आउटपुट दिखाए। तो भाई अभी जो है ये वीडियो देखो भाई कैसे सब इंस्टॉलेशन हुई, और मैं अपनी गाड़ी में जो अभी तक लगा के चला रहा था वो था इन्फिनिटी रेफरेंस सीरीज, जो कि मजेदार था भाई, मजा बहुत आया। लेकिन अब टाइम था कि भाई थोड़ा ऑडियो अपग्रेड किया जाए, वोकल्स में मेरे को मजा आया, तो मैंने लगवाना है भाई कापा, अपना वही इन्फिनिटी वाला है कापा है भाई। कैसा बॉक्स है, कितने का प्राइसिंग रहता है, वो आप सब लोगों को चेक करा दूंगा, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। कहां से काम करा रहा हूं वो भी दिखा दूंगा। तो भाई ये जो है ना भाई, ये उससे नेक्स्ट दिन का है ये जब शूट कर रहा हूं, क्योंकि वोली चीज जो थी वो अच्छी नहीं आई थी, तो मैंने इसलिए नहीं डाला है। तो जाओ वीडियो देखो और जरूर कॉमेंट करके बताना कैसा लगा, एंड इनके बारे में बताऊंगा भाई, बहुत दुख भरी खबर है, तो उसकी वीडियो कल आएगी, ठीक है। तो चलो भाई पहले ये वीडियो देख लो। मुसाफिर की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो। सो गाइस अपनी गाड़ी के अंदर जो मैं कॉम्पोनेंट डलवा रहा हूँ भाई, आप लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि जो मैंने क्रेटा वाली वीडियो की थी उसके अंदर मैंने कहा था कि भाई मैं भी कापा लगवाऊंगा। सो फाइनली इट्स टाइम कि इंटीरियर चेंज हो चुका है, तो भाई बारी आती है कि भाई अब ये कापा सीरीज वाले भी हम लोग डलवा दे। तो एक बार मैं चाहूंगा भी एक बार इसको ओपन करके दिखा दो आप कैसा अंदर से दिखने में। तो भाई देखो सेम जो हमने डलवाया था वो रेफरेंस सीरीज था, ये अपना कापा रहेगा, और जो अपना पुराने वाला है वो मोस्ट प्रॉब्ली मैं i20 के अंदर लगाऊंगा। जब लगाऊंगा तब आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा, क्योंकि अगर मैं उसको भी बेचने के लिए जाता हूं या किसी को देता हूं तो वो नो ऑफ यूज रह जाएगा। तो एक बार देख लो अंदर से। और भाई देखो इसमें कॉपी नहीं आते, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आपको लग रहा हो कि कुछ भी कॉपी आता है तो कॉपी इसके अंदर कुछ नहीं आएगा। एंड एक बार ओपन होने देते हैं इसको पूरा, फिर मैं आपको दिखाता हूं। तो देख लो भाई आपके जो कापा सीरीज है वो कुछ ऐसे देखने में मिलेंगे। पीछे से आप लोग बहुत इजीली इसमें मेकआउट कर सकते हैं, 60 CSX इसमें लिखा होता है, और भाई मजा तो आने वाला है बिल्कुल इसके बाद सुनने में। इसी के साथ में बिल्कुल जो अपनी मेन चीज है वो यही रहने वाली है। इसी के साथ में भैया जो इसका ट्विटर एक बार वो भी चेक करा दो। तो देख लो भाई सब चीजें फुली पैक्ड आती है, कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें, और बाकी जब ये फिटिंग होगी तो मैं आप लोगों को वो चीज जरूर दिखा दूंगा। सेम दूसरा वाला हमारा बॉक्स है गाइस, देख लो आप लोगों को जो इसमें MRP दिखेगी ना तो वो 19,990 रुपए की है। कितने का ये आता है, कैसे ये आता है मार्केट में, इसके बहुत ज्यादा रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं, सो इसके बारे में मैं बिल्कुल लास्ट में आप लोगों को बताऊं। सो गाइज आप लोग देख लो भाई अपनी गाड़ी के पूरे गत्ते खुल चुके हैं, और जो पहले लगे हुए थे वो अपने इन्फिनिटी वाले थे, तो इनको मैं रिमूव करवा रहा हूं क्योंकि अब लगने हैं कापा ने। तो भाई मैंने गाड़ी के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी डैम्पिंग नहीं करा रखी है, जैसा मैंने आप लोगों को पहली वीडियोस में भी कहा था कि मैं डैम्पिंग नहीं करवाऊंगा, तो मैंने नहीं करवाया। स्टिल आप लोग देख सकते हो ये जो होता है भाई ये तो इसी का पूरा निकला हुआ है। इसी के साथ में चारों गत्ते यहां पर खोल दिए, यहां पर काम चल रहा है, और देखो भाई अपने ये रे ट्विटर जो निकाले गए हैं, और ये अपने i20 भी जाएंगे बिल्कुल यहाँ पर, बिल्कुल जैसा परफेक्टली होगा वैसे ही इसको लगा दिया जाएगा, और आगे की साइड में भी सेम काम चल रहा है, सब चीजें रिमूव की जाएगी और नॉर्मली जैसे होगा वो सब कुछ हम इंस्टॉल करेंगे। तो आप लोगों ने कंपोनेंट देख लिया, फिटिंग दिखाता हूँ कि कैसे होती है। तो भाई यहाँ पर देख लो हमारे इन्फिनिटी वाले जो कंपोनेंट था वो निकल रहा है। देखो भाई इसमें रिंग लगती है, उसके बाद ही वाले नट लगते हैं, इसको परफेक्टली भाई खोल देगा, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ भाई। देखो काफी सारे लोग कहते हैं कि भाई इसमें कहीं फेक तो नहीं था जो रेफरेंस सीरीज वाला था, तो भाई इसमें कुछ भी फेक वाला सीन नहीं होता है, पूरी वायरिंग यहाँ पर होगी भाई, यहाँ से रिमूव करेंगे। देखो भाई अपनी बिल्कुल परफेक्टली कंपोनेंट की लगाई गई थी यहाँ पर, और चेक दिस आउट इन्फिनिटी बाय हरमन रेफरेंस 6500CX 270 वॉट, और भाई बिल्कुल परफेक्ट है। इसको मैं रख रहा हूँ साइड में क्योंकि इसको हम पैकिंग में डाल देंगे। इसी के साथ में गाइस आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जो अपने ट्विटर वाला था उसकी कटिंग कराई थी, तो इसी में अपने ट्विटर फिट होंगे, और बाकी जो है भाई वायरिंग के बारे में आपको बता देंगे। तो भैया एक चीज बताओ, जो वायरिंग है ये सेम वायरिंग उसमें चल जाएगी? नहीं सर, चेंज करेंगे इसमें, चेंज होगा। क्या चीज चेंज करेंगे इसमें आप? पूरी वायरिंग ही चेंज करेंगे, क्यों भैया इसकी क्या जरूरत है, इसके अंदर नहीं हो सकता सेम के अंदर? इसके ऊपर नहीं होगा क्योंकि इसकी पूरी कॉपर की आई अलग। अच्छा इसकी कॉपर की वायरिंग अलग से आती है, अच्छा हैवी कंपोनेंट। तो भाई ये चीज आप लोग सुन लो। इसी के साथ में अपना क्रॉसओवर लगा हुआ है, तो भैया क्रॉसओवर को कैसे हम निकालेंगे, क्या ये किसी चीज से बांधा गया? देख लो एक बार, ये टाई बेल्ट से बांधा, टाई बेल्ट से, तो इसको भी खोल लेते भाई, उसके बाद में आप लोगों को दिखा। और गाइस एक चीज और आप लोगों को बता देता हूं, भैया क्यों हमें इसको चेंज करने की जरूरत है ये भी बता दो। ये हार्ड हो गई थी, जो कॉपर आता है ना वो एकदम सॉफ्ट होता है, वो बिल्कुल सॉफ्ट होगा, ये बिल्कुल हार्ड हो रखा है। तो भाई देख लो भाई ने बढ़िया चीज बताई है, तो भैया इसको भी पकड़ा दो, इसको भी साइड में रख देते हैं।
तो भाई ये भी अपनों का जो क्रॉसओवर था वो यही था। सो इसको भी यहीं पर रख रहे, अगेन ये भी पैकिंग के लिए जाएगा क्योंकि इसको भी हम अपनी दूसरी गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे। तो मीनवाइल जो है भाई लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है इस काम में लगे हुए हैं। भाई देखो दो भाई ऑलरेडी लगा, तीसरा भाई हमारा गया हुआ है और बिल्कुल परफेक्ट चीज करनी है क्योंकि भाई बढ़िया तरीके से आवाज निकलनी चाहिए। कैसी आवाज आती है वो भी मैं आप लोगों को जरूर सुनाऊंगा। तो गाइस एक बार आप लोग देख लो कि कैसे हम लोग पूरा ट्विटर की सेटिंग करेंगे। तो भाई ने यहाँ पर सारी चीजें खोली हुई है, तो भैया एक बार समझा दो कैसे कर रहे हो आप और कैसे पूरी फिटिंग होगी इसमें। कटिंग वाली हिसाब अलग है, ऊपर से फिटिंग करना अलग है, डैशबोर्ड में लगाना उसकी फिटिंग अलग है। ठीक है, तो अगर हम लोग जो अभी अपने कट जो हमने ऑलरेडी बनाया था उसमें कटिंग वाली फिटिंग अलग है, जैसे ये कटिंग वाली जगह पे ये फिटिंग होगी। ठीक है, ये चूड़ी टाइट होगी। अगर हमने ऊपर लगाना है तो ये साइड के उसमें पक्के में मिरर वाली जगह पे लगा देंगे। ठीक है, और डैशबोर्ड में रखना है तो फिर ये रख देंगे। तो हम लोग जो है ये लगाने वाले। हाँ, हम लोग वैसे दिखा दूंगा आपको कैसे टाइट होता है। हाँ। सब चीजें आप लोगों को इसके अंदर ऑलरेडी इक्विप्ड मिलती है जो कि आप लोग यूज कर सकते हो। और भैया एक चीज बताओ, जैसे कुछ कुछ गाड़ियों के अंदर हम लोगों ने अपना वो नहीं होता है, रिंग नहीं होता है, तो हमें रिंग लगानी पड़ती है कुछ गाड़ियों में। जैसे टूटर लग के आते हैं तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, ये टूटर उस जगह पे ऑलरेडी जेन्युइन कंपनी की जो जगह होती है उसमें ऑलरेडी ऐसे ही फिट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे उसमें कटिंग करनी पड़ी। हाँ। है तो भाई देखो, अगर आपके पास स्पेशली i20 है या फिर वैसी कोई मिलती जुलती गाड़ी है, उनके अंदर अलग से एक स्लॉट दिया होता है तो उसमें आप इसको इजीली फिक्स करा सकते हो। हम लोग अभी एक फिक्स क्या कर रहे हैं, देखो भाई जो अपने वाले ये ट्विटर के पूरे होल बना हुआ था तो ये होल छोटा है, अपना ट्विटर जो है उसका थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, इसमें गोलाई है, तो भाई जो है इसको बराबर कर रहे हैं और बिल्कुल फिनिशिंग आ जाएगी। और भाई इसके ऊपर बैठा कर दिखाऊंगा कितना फिनिशिंग आती है और परफेक्ट होना चाहिए क्योंकि यार जब आप कोई काम करवा रहे हो तो उसको बिल्कुल सही तरीके से कराओ और भाई जो है वो तो बढ़िया काम कर ही देंगे। तो गाइज यहाँ पर आप लोग चेक कर लो भाई, देखो लगाने का बिल्कुल सेम प्रोसेस था, वही जो आप लोगों ने रिंग देखी थी उसी के ऊपर अपने कापा वाले लग गए और यहाँ पर अपना क्रॉसओवर है। भाई एक चीज बता दो, ये पूरी जैसे पूरा हम जो अपने कंपोनेंट की इंस्टॉलेशन करते हैं इसमें कितना टाइम लग जाता है? पूरे का पूरे इंस्टॉलेशन करने में 25 से 30 मिनट लगता है दोनों दरवाजों में। तो दोनों दरवाजों में 25 से 30 मिनट में हो जाएगा और बाकी जो है वहाँ पर काम चल रहा है आपका ट्विटर का क्योंकि उसकी प्लेसमेंट यहाँ पर होगी, बाकी भाइयों ने यहाँ टाइट कर दिया। भाई सबसे ज्यादा जो लोग सुनना चाहते हैं वो इसकी आवाज, तो आवाज मैं आप लोगों को जरूर सुनाऊंगा, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना क्योंकि जरूर आपको मजा आएगा। सो गाइस एक बार देख लो, यहाँ पर आप लोगों का पूरा सेटअप हो चुका है रेडी, बस ट्विटर लगना रह रहा है, क्रॉसओवर डन हो चुका है, वायरिंग जो अभी यहाँ से डाल रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों का कंपोनेंट परफेक्टली लग चुका है और भाई बिल्कुल परफेक्ट सब चीजें हो चुकी है। गाइज आप लोगों को बताया था, देखो आउटपुट में काफी मजा आप लोगों को सुनने में आएगा क्योंकि हम लोगों ने अपना जो ऑडियो है वो अपग्रेड किया है, बाकी तो भाई जब एक बार आवाज सुनोगे तभी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो गाइज एक बार देख लो आप लोग, जो पीछे का गत्ता आप लोगों ने देखा था तो भैया ने इसमें भी कटिंग की है क्योंकि भाई इसमें भी ट्विटर को बैठाना है और उसकी जो शेप है वो कम है तो इस छेद को भी बड़ा कर रहे हैं। और देख लो भाई भैया जो है बिल्कुल परफेक्टली इससे कर रहे हैं, हम लोगों ने तो भाई पूरे ड्रिल मशीन से इसमें छेद बनाया था और उसके बाद कटिंग की थी, तो आप भैया को देख लो और भाई बिल्कुल परफेक्ट बैठाएंगे, भैया ने पहले बोला हुआ है। और एक चीज जो बेस्ट है ट्विटर के अंदर वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्योंकि भैया ने मेरे को दिखाया था। तो भाई एक बार देख लो कि जो आप लोगों का ट्विटर है वो जो है भाई वो मूवेबल है, ऐसे देखो। अगर कभी आप लोगों को ऐसा लगता है ज्यादा आवाज आ रही है ट्विटर की तो भाई उसकी आप लोग लोकेशन चेंज करके सही से सेट कर सकते हो। बाकी देखो ये मूवेबल है, सबसे अच्छी चीज इसके अंदर यही है, पहले वाला जो था वो कान में चुभता था अगर आप पीछे बैठे होंगे तो, लेकिन इस बारी जो है इसका फिक्स बढ़िया वाला किया। इस देख लो भाई अपना जो पीछे वाले गत्ते है इनमें भी आपका ट्विटर प्लेस हो चुका है और ये भी पूरा परफेक्टली मूवेबल है। पीछे जो है भाई भी काम में लगे हुए हैं और अपना जो कापा वाला सीरीज वाला है वो इसमें लग चुका है, इसी के साथ में जो काम चल रहा है वो चल रहा है भाई अपना क्रॉसओवर का और बाकी जितनी फिटिंग है वो जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि रात के 12 बज चुके हैं हम लोगों को ऑलरेडी क्योंकि बहुत लेट काम स्टार्ट हुआ है, लेकिन स्टिल देखो भाई भाई पूरी स्पीड में काम कर रहे हैं और जितना बढ़िया तरीके से हो पा रहा है उतना कर रहे हैं। सो गाइस पूरा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है और किसने काम किया वो है कवल भैया, आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है भैया के बारे में, कभी भी आ रहे हो काम कराने ऑटो म्यूजिक से आप लोग करवा सकते हो। तो आप लोगों ने गाइस रात को सारी चीजें होते हुए देख ली थी, सो सुबह हम लोग इसको शूट कर रहे हैं, विशाल यहाँ पर है, ठीक है भाई हेलो बोल दे। हाँ तो भाई चेकअप चल रहा है यहाँ पर, सो बेस अभी जीरो कर रखी है, यहाँ पर अपना एक मोनो लगा हुआ है तो उससे बिल्कुल बेस जीरो है, देख लो पूरा लास्ट में कर रखा है। भाई चला रहा है NCS का गाना, कर दे भाई, और आवाज जो है वो रखेंगे बढ़िया वाली क्योंकि I'm not afraid to die.
गाइस आप लोगों ने जो भी आउटपुट अभी सुना है ये मैंने मतलब नॉर्मल जो सेटिंग थी उसमें आप लोगों को सुनाया था। इसमें कुछ भी अभी या फिर ट्रेबल के ऊपर बेस के ऊपर मैंने कुछ भी काम नहीं किया है, केवल वोकल को अच्छा किया था, जितना मैं कर सकता था मैंने उसमें कर दिया है। इसी के साथ में गाइस अगर आप लोगों को लगता है कि किसी भी पॉइंट में हम लोग मैचअप कर पाए तो भाई पता है नीचे आप लोगों ने क्या करना है। इसी के साथ में जो बेस था वो अपना इन्फिनिटी सबवूफर से आया था जो कि रेफरेंस वाला था और रिस्पॉन्स वाइज अभी तक बढ़िया है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि मैं कुछ ऑडियो अपग्रेड और करूँ क्योंकि मैं एक बहुत स्पेशल चीज़ इसके अंदर इंस्टॉल करने वाला हूँ। वहीं पर जो आपने चीज़ देखी थी सीट कवर वाली, तो सीट कवर वाली जो चीज़ हो रखी है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि क्यों मैंने ये सीट कवर लगाया। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से हमें चेंज करना पड़ा था। बाकी अगर आप लोगों को किसी पॉइंट पे वीडियो अच्छी लगी हो और लगा हो कि आप लोग कहीं ना कहीं मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं तो वीडियो को बिना लाइक शेयर कमेंट करे बिना मत जाना। 7.5 लाख फैमिली मेम्बर्स हम लोग बहुत जल्दी हिट करने वाले हैं। मोस्ट प्रॉब्ली 14-15 तारीख से पहले पहले ही दिसंबर में हम लोग 7.5 लाख फैमिली मेम्बर हो जाएंगे और केवल सपोर्ट आपका है, इसीलिए हम लोग इधर तक पहुंच पाए। इसी के साथ गाइस अगर किसी भी पॉइंट में आप लोगों के वीडियो इन्फॉर्मेटिव बढ़िया और लगा हो कि आप लोग कनेक्ट कर सकते हो तो बिना लाइक शेयर कमेंट करें मत जाना। मुसाफिर को इंस्टाग्राम में फॉलो करना, लिखिए MUSAFIR7811 यानी कि मुसाफिर 7811। फेसबुक में फॉलो करना, लिखिए मुसाफिर आका जोशी। तो आज के इस वीडियो को एंड कर रहे, टिल देन कीप वॉचिंग एंड